अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू रेडियोलॉजी वाइब्स। आज हम देखेंगे कि हम अल्ट्रासाउंड की मशीन को किस तरह से ऑपरेट करते हैं। मेरे पास आज जो मशीन है वो है सोनोस्कैप, तो हम चलें इसको देखते हैं कि किस तरह से इसको ऑपरेट करने का तरीका है, किस तरह से हम इसको यूज़ कर सकते हैं, इस पर रीडिंग्स मेजरमेंट्स किस तरह से ले सकते हैं, इसकी नोमोलॉजी क्या है, सारी चीज़ें देखते हैं हम इस वीडियो में। तो हम इसके ही देखेंगे, इसके नोबोलॉजी को देखेंगे और इसका स्क्रीन देखेंगे। स्क्रीन पे हमें इसके फंक्शन शो हो रहे हैं कि हम पेशेंट का एग्ज़ाम क्या कर सकते हैं, कौन कौन से हमें एग्ज़ाम चाहिए, हमें किडनी देखना है, पैंक्रियाज का प्रोटोकॉल देखना है या एब्डोमिनल प्रोटोकॉल देखना है। तो इस तरह से हम इसके प्रोटोकॉल को सिलेक्ट करेंगे। पेशेंट एग्ज़ाम, ये पेशेंट आईडी का बटन है, यहाँ से हम पेशेंट आईडी को सिलेक्ट करेंगे, पेशेंट का नेम एंड ऑल चीज़ें जो है वो लिखेंगे। पेशेंट आईडी, नेम, फर्दर जो है वो बर्थडे, सेक्स क्या है, एलएमपी क्या है, ईडीडी क्या है और हाइट, वेट एंड ऑल चीज़ें। यहाँ से हम पेशेंट की आईडी लिखते हैं जो ऑटोमेटिकली सेव हो जाती है पेशेंट की रिपोर्ट के ऊपर लिखने के लिए। नेक्स्ट जो है हमारे पास एक कमेंट, पेशेंट आईडी, कमेंट, फाइल, जो प्रीवियस स्कैन हमने किए हुए हैं या जो प्रीवियस स्कैन में सेव कर रखे हैं उनकी डिटेल्स हम जो है वो यहाँ से देख सकते हैं, क्लिपबोर्ड एंड ऑल एग्ज़ाम। यहाँ से हम जो है वो पेशेंट का एग्ज़ाम सेलेक्ट करेंगे और लाइक हम एब्डोमिनल स्कैन करना चाह रहे हैं तो ये हमारा ट्रैक बॉल है। यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको एग्ज़ाम को सेलेक्ट कर लेंगे कि हमने किस एग्ज़ाम करना है, एब्डोमिनल स्कैन है, किडनी का है या पैंक्रियाज का है, जो भी हमने स्कैन करना होगा। ठीक है, यहाँ से हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ से सेट का बटन दबाएंगे, कोई भी चीज़ प्रोटोकॉल हमने सेलेक्ट किया है तो उसको हम यहाँ से सेट कर देंगे। सेट करने के बाद इसकी जो नोमोलॉजी में ऑप्शंस हैं, बी मोड के लिए, ठीक है, अप डाउन करने के लिए, ये डबल मोड के लिए है लाइक दिस, यहाँ से हम देखेंगे कि इसका हम बी मोड कर सकते हैं, एम मोड कर सकते हैं, फोर व्यूज के लिए हम उसको देखेंगे लाइक इसको हम देखते हैं। ओके, तो ये हम इसकी डबल इमेजेस, फोर इमेजेस के लिए इसको यूज करते हैं। हम इमेज को लेफ्ट राइट करने के लिए यूज करेंगे, यहाँ से सेव कर देंगे इमेजेस जो भी हमने ली होती हैं रिपोर्ट बनाने के लिए। जूम इन और जूम आउट, यहाँ से हम इसको जो है वो स्क्रीन को जूम इन और जूम आउट करते हैं जिस तरह का इमेज हमें चाहिए। और यहाँ से हम इसको जूम आउट इसी तरीके से। नेक्स्ट, रीडिंग्स के लिए हमारे पास डिस्टेंस है, एरिया है, बॉडी मार्क्स, जो भी हमने ऑर्गन का किया हुआ है उसको बॉडी मार्क सेलेक्ट कर देंगे। जैसे ये हम इसमें से एब्डोमिन कर लेते हैं, ब्रेस्ट कर लेते हैं, फिटस का कर लेते हैं, कोई भी बॉडी मार्क सेलेक्ट करके देन हम उसका अल्ट्रासाउंड करते हैं, उसको सेट कर देंगे। सेट किया तो ये हमारे पास आ गया, इसके अकॉर्डिंग जो है वो स्कैन आप कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है हमारे पास गेन का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ से हम इसका गेन इंक्रीज़ कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, इंक्रीज भी कर सकते हैं लाइक गेन इंक्रीज और डिक्रीज होता है। ये मैं गेन कम कर रही हूँ और ये यहाँ से इसका गेन इंक्रीज हो गया। ठीक हो गया, ये हमारे पास हमारा मेन बटन जो है वो फ्रीज का बटन है। यहाँ से जब भी आप किसी चीज़ की मेजरमेंट्स लेंगे आप यहाँ से इसको फ्रीज करेंगे इमेज को, देन आप डिस्टेंस पे जाएंगे या फिर कैलकुलेशन का बटन दबाएंगे जिससे आपने जो भी किसी चीज़ के ऑर्गन की मेजरमेंट्स लेनी है कैलकुलेशन। यहाँ से हम देख लेते हैं लाइक हमें जनरल चाहिए तो सेट डिस्टेंस। ओके, यहाँ से हम इसको
करने के बाद सेट करेंगे, और जहाँ तक हम इसका लेना चाह रहे हैं डिस्टेंस या जो भी हमें रिक्वायर्ड है वहाँ तक इसको ट्रैक बॉल की मदद से इसको खींच लेंगे। फर्दर जो है वो हम इसका सेट का बटन दबाएंगे और ये हमारे पास इसकी मेजरमेंट्स आ गई। फर्दर मोर ये हमारा TGC काउंट है, अगर इसके कैलकुलेशन मार्क्स और दिखाऊँ आपको तो यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस हैं। देखा आप यहाँ पे ऑप्स की प्रोफाइल को अगर सेट करते हैं तो हमारे पास BPD, CRL, HC, FL, OFDCER जो भी है हमारी मेजरमेंट्स आ जाएंगी। यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे BPD सेट, देन ट्रैक बॉल की मदद से जहाँ पे हमारा इमेज है उसको कर्सर की मदद से वहाँ पे किया सेट किया, और फर्दर जहाँ पे हमें चाहिए ट्रैक बॉल की मदद से उसको करेंगे, अगेन सेट किया तो ये हमारे पास आ गया गेस्टेशनल एज, BPD और EDD हमारी जो है वो आ जाएगी। इस तरह से हम इससे यहाँ से मेजरमेंट्स ऑब्स की एब्डोमिन की जो भी हमें इमेजेस चाहिए हम उसको अच्छे से ले सकते हैं। फर्दर दिखाऊँ तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है गायनी का ऑप्शन है, गायनी में जो है वो लेफ्ट ओवरी का साइज़, राइट ओवरी का साइज़, फोलिकल्स और इसकी सारी जितनी भी मेजरमेंट्स होती हैं वो हम यहाँ से देख सकते हैं। फर्दर जो है वो हमारे पास यूरो का ऑप्शन हम देखते हैं, तो अगर हम KUV स्कैन कर रहे हैं KUV स्कैन में हम प्रोस्टेट वॉल्यूम लेंगे, लेफ्ट किडनी मेजरमेंट्स, राइट किडनी मेजरमेंट्स लेंगे, उसका प्री वॉइड या पोस्टोइड वॉल्यूम लेते हैं, तो हम यहाँ से मेजरमेंट्स को सेलेक्ट करके फर्दर इसके मेजरमेंट्स को ले सकते हैं। कि हम यहाँ पे रिपोर्ट में कमेंट किस तरह से दे सकते हैं, कमेंट के लिए हम यहाँ पे इसको फ्रीज़ करेंगे, फ्रीज़ करने के बाद ये हमारे पास ऑप्शन आ रहा है कमेंट्स का, कमेंट्स पे यहाँ पे हम लिखेंगे फॉर एग्जांपल मैं लिखना चाह रही हूँ कि लेफ्ट किडनी, तो ये हमारा कीबोर्ड लेफ्ट किडनी ये हमने लिख लिया लेफ्ट किडनी। इसी तरह से हम यहाँ पे लिख सकते हैं, अपनी मर्ज़ी के कमेंट्स दे सकते हैं, लाइक इमेजेस को हम बता सकते हैं कि ये राइट इमेज है या लेफ्ट साइड है, सारी मेजरमेंट्स के लिए हम इसको इस तरह से यूज़ करते हैं, बहुत इजी है इसको यूज़।